सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए एडवेंचर में। अभी ऐसा है कि हम हैं मुंड्रा में। मुंड्रा में आज हम इस होटल में रुके हुए थे। ये हमारा था होटल, जो कि डॉक्टर नीलेश सर, जो कि वो भी एक साइकिलिस्ट है, तो उनकी देखरेख में मुझे ये अकोमोडेशन मिला था। तबीयत थोड़ी हमारी डाउन हो चुकी है 2 दिन से, तो अभी ऐसा है कि हम यहाँ पे हैं। पिछले दिन आप लोगों ने काफ़ी अद्भुत चीज़ें देखा होगा, आदियोगी शिवाजी का वहाँ पे प्रतिमा, तो काफ़ी मज़ा आया। और आज हम जा रहे हैं मांडवी। मांडवी से पहले नानी कक्कर करके एक जगह है, वहाँ पे सेब सॉइल के कुछ वॉलंटियर्स नहीं है, लेकिन सेब सॉइल पे ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे लिए। तो चलते हैं, उन लोग से मिलते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नानी खक्कर है, वहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मांडवी है। तो पहले हम वहाँ पे चलेंगे, और समथिंग 11 बजे का टाइम दिया हूँ, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई आज मेरे से, क्योंकि अभी मेरे साथ 8:24 तो यही पे हो रहा है, तो गलती तो हुई ना बाबू भैया। तो चलिए मिलते हैं अपने रास्तों के सीन में। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा एक स्टॉपेज है, जहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ वर्क है। तो वहाँ पे कुछ लोगों से हम मिलेंगे जो सेफ सॉइल पे काफ़ी टाइम से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं जान के बहुत एक्साइटेड था, कल से नहीं, आई एम सॉरी, भूत से ही। तो मैंने डिसाइड किया कि ज़रूर हम आप लोग से मिलेंगे, और जो हो सके उस मिशन को जितना आगे बढ़ाना सके तो उतना हम कार्य करेंगे आज, 2-3-4 घंटों में जितना समय मिले, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे की जर्नी में। तो पहले के लिए फ़िलहाल पहले हम यहाँ से निकलते हैं, और ये रहा मुंड्रा सिटी। यहाँ पे पोर्ट है, बट उतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं चलूँ अडानी पोर्ट जर्नी। आज ना जो प्योर खाटी गांव बोला जाता है, मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, और उस गांव के बीच से काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रहा है जो अपने तरफ अपने गांव की तरफ देखने को मिलता है। और कोई सेवा हमारे पास नहीं? नहीं आप लोग ओके। नाश्ता कुछ खाना? नहीं नहीं अभी जस्ट पीछे से कुछ। यहाँ पे एक्चुअली एक प्रोग्राम है से चल का, तो वहाँ पे जा रहा था, नहीं तो मैं डायरेक्ट मांडवी निकल गया होता। तो वहाँ पे रुकना होगा आपको? 2-3 घंटा रुकना है, फिर उसके बाद मांडवी शाम में निकल जाऊँगा। चलिए फिर आप विलम्ब मत करिए। नहीं नहीं विलम्ब कैसा, थैंक यू यार, बहुत टाइम है बुलाने पे आगे, वही बहुत है। आपका रास्ता ख़राब ना हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ता हम ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा बनाना और ख़राब बनाना। साइकिल हटाते हैं, नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे। तो ये रहा आज का पूरा खाटी गांव। क्या क्या मैं पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू सो मच राजू चावड़ा। हाय प्रदीप जी, माता ये हमारे शिव जी भाई अभी आ रहे थे, आपको देख गए इसलिए मैंने बोला आप सीधे आ चले आइए। वेलकम, थैंक यू थैंक यू। हमारा डाटा का जो एरिया है सीएसआर का वो 19 गांव का है, लेकिन हम काम कर रहे हैं अदर्स एरिया में भी। अच्छा। वो 42 विलेज है मांडवी एंड मुंद्रा ब्लॉक के। तो इसमें हमने पहले NB21 जो ग्रीन फॉर्डर है उस पे बहुत बड़ा काम किया, और 22 लाख कटिंग हमने इधर के फार्मरों को दिया। अच्छा। आज हम कोई भी फार्म पे जाएंगे, आपको रास्ते में भी ऐसा दिखने को मिला होगा, आए होंगे। तो जो 2-3 पशु रखता है उसके पास वो रहता है,
इधर फार्मिंग तो हो रही थी, इधर फार्मिंग तो हो रहा था, लेकिन 80 सीड कहाँ से मिले? उसके लिए हमने मक्का का बीज, रचका का बीज, वो भी हम उनको देने लगे थे। अच्छा। इधर जो केमिकल फ्री फार्मिंग की बात आती है, तो केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए फार्मर जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर उसमें कैसे रोकाए, उसके लिए हमने काफी मात्रा में काम किया। अच्छा। मेरे ख्याल से 1500 से ज्यादा फार्मरों को तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अच्छा। उसके बाद आज हम टॉप लेवल पे आ गए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि फार्मर खुद इधर आता है। आज संडे है, छुट्टी रहता है हमारा, छुट्टी रहता है। ये वर्मी कंपोस्ट का जो ये शिवजी भाई है, हमारे इधर इधर ही बनते थे। ये जो महिला है उनके कोई फार्म पे जाके भी बनाते हैं। अच्छा। तो वर्मी कंपोस्ट का अभी हम फार्मरों ने खुद बनाना शुरुआत कर दिया है, तो हमने वो थोड़े कम पायदाने पे शुरू है। अच्छा। ताकि मतलब लोग भी कभी डाल देते हैं। नहीं, आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ। तो मतलब लोगों को पता चले कि हमारे देश में मतलब क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। आ रहे हैं आप लोग भी। तो ये चीजें यूट्यूब पे डालता हूँ कि डेली मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, कहाँ कहाँ जगह घूमता हूँ। अच्छी थी। हाँ बिल्कुल। अभी जब डालेंगे तो कब डालेंगे? आज परसों, आई थिंक परसों या नरसों आ जाएगा यूट्यूब पे। अभी आ जाएंगे। ओके ओके। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। क्या? हाँ तो यहाँ से हमें टर्न लेफ्ट लेना है, और टर्न लेफ्ट लेके हमें मांडवी की तरफ जाना है। यहाँ से मांडवी समथिंग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आई थिंक बहुत टाइम है यार, और प्यास भी लगी है, तो पानी पीने का मन भी कर रहा है। ये पीते हैं पानी। तो जैसे ही मांडवी के रास्ते में मैंने टर्न लिया, इन भाई साहब का दुकान देखा जो कि एमपी ग्वालियर से हैं, और यहाँ पे मैं पानी पूरी खाने के लिए बैठ पड़ा। क्यों भाई साहब, कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 10 साल हुए। 10 साल से हैं यहाँ पे, बस गए हैं। गुजरात भाग गए क्या? गुजरात, गुजरात और गुजरात के लोग बहुत स्वीट है, इसलिए जब जहाँ मिठास हो जाता है ना, वो चीज़ फिर छोड़ने का मज़ा नहीं आता है। चलिए, बहुत अच्छी जगह पे आप बसे हुए हैं, अच्छा है। टाटा बैटरी दोनों चाहिए, और गोप्रो का बैटरी अच्छा नहीं चलता है, बहुत कम चलता है। खाने पीने के लिए करते हो जाता है होटल ढाबे में। अभी आज जाके तुरंत रुकूंगा। हाँ वही है। तो गाइस, आज हम मांडवी में पहुंच चुके हैं, और मांडवी में ये हमें रूम मिला है, आप लोग देख सकते हो। ये होटल नहीं है, आई थिंक मतलब क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। मतलब जैसे किसी का कंपनी नहीं होता है, वर्कर के लिए बना किसी तरह छोड़ देते हैं, तो उसी तरह है। किसी का घर है और वो बना किसी तरह छोड़े हुए, तो ये सब बेड वेड था हमारे लिए, बेड जुगाड़ा गया है। तो हम यहाँ पे अभी जस्ट खाना खा के आए हैं, और आगे की जर्नी कल हम एक और स्कूल विजिट करने वाले हैं। हम इस टाइम पे डेली लगातार स्कूल विजिट करते हुए जा रहे हैं, लग रहा है टीचर बन गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम टीचर नहीं, हम स्टूडेंट ही सही है, क्योंकि जब तक सीखोगे तभी तक जिंदा रहोगे, तो मज़ा नहीं आएगा फिर जिंदगी का। तो आइए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ज़िंदगी का आप लोग भी मज़ा लीजिए, और हमारी ज़िंदगी अभी थोड़ी सी झमेले में चल रही है, इसलिए वो डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा, तो बहुत जल्दी डेली कंटिन्यू हो जाएगा। बाय बाय।